It can withstand the flood tolerance, but it is now nearing the time, so this cannot. अगर आप खींचोगे तो ये आ जाए, ये निकल के आ जाए. निकल. That is means that is. आपका नाम क्या है? श्रीनिवास. कितनी जमीन है आपके पास? तीस एकड़ कर रहे हैं. ये लीज पे लेकर 30 एकड़ करता है. लीज पे लिया. लीज कितने पैसे देने पड़े? 14 से 15 बोरा सर. 1 टन पर एकड़. 13 बैग्स इज इक्वल टू 1 टन. अच्छा, ये लीज पे 10 क्विंटल देना पड़ेगा. अब अगर इसका पूरा लॉस हो गया तो फिर क्या होगा? अब इनको पूरा फिर कोल को है, रन को नहीं. इसका कोई फायदा नहीं है. लगती है वो सब की सब पूरी तरह से नष्ट हो गई. इस इलाके में हॉर्टिकल्चर व्यापक पैमाने पर किसान करते हैं और यहाँ लीज पर लेकर खेती करने वाले किसान भी हैं जिनकी खुद की जमीन नहीं है, जो लीज पर लेकर खेती करते हैं और लीज पर लेते हैं तो उनको पैसा या फसल का बड़ा हिस्सा देना पड़ता है. उन्हें अपनी लागत भी लगाई और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है. लेकिन हम किसान से ये कहने आए हैं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से पूरी संवेदना से काम कर रहे हैं. किसान भाइयों, नुकसान हुआ है लेकिन राज्य सरकार बहुत सक्षमता और संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में काम कर रही है और केंद्र सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी. अभी SDRF के 3,448 करोड़ रुपया, जिसमें केंद्र का हिस्सा भी है, वो यहाँ है तो तात्कालिक सहायता देने का काम. लेकिन तात्कालिक सहायता के बाद अगली फसल के लिए किसान को कैसे खाद बीज मिले उसके बारे में सरकार सोचेगी. जो हमारे टैलेंट किसान है उनकी जो समस्या है उसके समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे. पुरानी सरकार ने जो यहाँ पे थी जगन जी की, उसने केंद्र सरकार की जो योजनाएं लागू नहीं की, जैसे फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया तो फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता. अब हम इस बार किसका भी रास्ता निकालेंगे. राज्य सरकार तैयार है प्रीमियम जमा करने के लिए. तो एक प्रारंभिक रूप से किसान को सहायता करना, दूसरा फसल बीमा योजना का फायदा मिले इसका इंतजाम करना, तीसरे लीज पर जो जमीन लेकर खेती करते हैं उनकी व्यवस्था करने के बारे में सोचना, और चौथा अगली फसल किसान कैसे ले पाए उसके लिए खाद बीज इत्यादि का इंतजाम हो पाए. ये मुद्दे हमारे सामने हैं और इसका समाधान आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में हम निकालेंगे और केंद्र सरकार भरपूर हर संभव सहयोग करेगी. लेकिन पुरानी सरकार की गलतियों के परिणाम है कई, जैसे बड़मेरू ब्रिज है वो इसलिए हुआ कि इल्लीगल माइनिंग की जगह होती थी, उसके कारण कमजोर होकर टूट गया. तो ऐसी चीजों को भी हमको ध्यान से देखना पड़ेगा और आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी ऐसी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बनानी होगी. राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हम हर संभव सहयोग करेंगे संकट के
बाहर किसानों को निकाल के ले जाएं।